गुलबर्गा शहर में मौजूद हरमैन शरीफैन टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 18 अगस्त को रवाना होने वाले उमरा ग्रुप के लिए एक रोजा तरबियती कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। कुल 38 आजमीन उमरा पर मुश्तमिल ग्रुप 18 अगस्त को रवाना हो रहा है, जिनको उमरा जाने से लेकर वापस आने तक के तमाम जरूरी अहकाम सिखाए गए हैं। और साथ ही इस मौके पर हरमैन शरीफैन टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर मुफ्ती उस्मान गनी नदवी साहब ने बताया, इनके जरिए और 4 उमरा पैकेज तैयार किए गए हैं। 5 सितंबर को स्पेशल रबी उल अव्वल उमरा पैकेज 88,000 रुपीज में तैयार किया गया है, जिसमें इंडिगो डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और मक्का में 200 मीटर की दूरी पर और मदीना में 100 मीटर की दूरी पर होटल्स रहेंगे। और दूसरा पैकेज 15 अक्टूबर को डीलक्स उमरा पैकेज 88,000 रुपीज में तैयार किया गया है, जिसमें एयर इंडिया फ्लाइट रहेगी और मक्का में 200 मीटर की दूरी पर और मदीना में 100 मीटर की दूरी पर होटल्स रहेंगे। और तीसरा पैकेज 16 अक्टूबर को स्पेशल डीलक्स उमरा पैकेज 98,000 रुपीज में तैयार किया गया है, जिसमें सऊदी एयरलाइंस के जरिए डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और मक्का में 200 मीटर की दूरी पर और मदीना में 100 मीटर की दूरी पर होटल्स रहेंगे। और इसके अलावा हरमैन शरीफैन टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए हर महीना सिमी डीलक्स उमरा पैकेज 75,000 रुपीज में तैयार किया जाता है, जिसमें इंडिगो डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और मक्का में 350 मीटर की दूरी पर और मदीना में 150 मीटर की दूरी पर होटल्स रहेंगे। और इसके अलावा हैदराबादी फूड, लोकल ज़ियारतें और दीगर सर्विसेज भी अवेलेबल रहेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर आप MSK मिल रिंग रोड हुसैन आइकॉन कॉम्प्लेक्स में मौजूद हरमैन शरीफैन टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमारे अंदर इखलास पैदा, इखलास के ये उमरा मैं जो कर रहा हूं ये ऐसा नहीं है कि दिखावे में आ जाए, ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो उमरा है ये मेरे अल्लाह के लिए है और किसी के लिए नहीं है। मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने नाम या मेरे नाम के साथ हाजी जुड़ जाए इसके लिए मैं हरगिज़ नहीं कर रहा हूं। वरना एक हदीस है जो कि बहुत बड़ी है, उसको मुख्तसर अंदाज में बताता हूँ कि 3 लोग ऐसे हैं जिनका मकाम मर्तबा बहुत ज्यादा है, मगर जब उनके अंदर शोहरत आ गई, रियाकारी आ गई, दिखावा आ गया तो अल्लाह तबारक व ताला उनके मकाम मर्तबे का भी लिहाज नहीं किया, बल्कि उनको मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया। उनमें सबसे पहला शहीद है। शहीद का मकाम मर्तबा आप देख लें कि क्या है, कि जब वो शहीद होता है तो उसका खून का खतरा जमीन पर टपकने से पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है, उसकी जगह और उसकी जन्नत उसको दिखा दी जाती है। मगर उसके अंदर दिखावा आ जाए, रियाकारी आ जाए और शौफ आ जाए उसके अंदर, तो अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उसी शहीद को बुलाकर पूछेंगे कि बता तूने, मैं तुझे ताकत दिया था, मैं तुझे हिम्मत दिया था, तूने क्या किया? तो वो शहीद कहेगा, ऐ बारी ताला तूने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, तो मैंने तेरे रास्ते में अपनी जान गंवा दी, अपने सर को कटाया। तो अल्लाह तबारक व ताला के अल्फाज होंगे जो कि हदीस में लिखे गए हैं, कज़ब था, तू झूठ बोलता है, मैंने तुझे ताकत दी थी, मैंने तुझे कुदरत दी थी, मगर तू शहीद हुआ है इसलिए कि ताकि लोग तुझे बहादुर कह सके, ताकि लोग तेरे अंदर बढ़ावा आ जाए, तेरे अंदर दिखावा और याकारी आ जाए। अल्लाह तबारक व ताला पूछेंगे कि जो लोग कहना था वो कह चुके, अब यहां से तेरा हिस्सा यहाँ कोई नहीं है, तो फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसको मुंह के बल खींच कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। तो जो ही वहां पर उमरे का नियत किया, नियत करने के बाद ये सारी चीजें आप पर जरूरी हो गई, ना आप इत्र लगा सकते हैं, ना परफ्यूम यूज कर सकते हैं, ना ही नाखून निकाल सकते हैं, ना बाल निकाल सकते हैं, ना बाल बून सकते हैं, ना ही सिला हुआ कपड़ा आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि चप्पल में भी ऐसी चप्पल आप पहने जो आपकी पैर की ये जो उभरी हुई हड्डी है सामने की, ये जो हड्डी है जैसे पैर के सामने यहाँ पर उभरी हुई हड्डी होती है, वो हड्डी आपकी नजर आना चाहिए। तो ये यानी स्लीपर टाइप की कोई चप्पल आप लें, स्लीपर जो रबर वगैरह की मिलती है, उसमें भी सिली हुई ना हो तो बेहतर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, सही मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज, जिसके हाथ और जुबान से दूसरे लोग महफूज हो, ये कामिल और सही मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हम इतनी बड़ी इबादत के लिए जा रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि हम फलां को धक्का मार रहे, हम फलां की किसी में टांग अड़ा रहे, तो ऐसा ना हो।
हम अपना सामान कहीं पर रख दिए, फलां को तकलीफ हो रही है। जब काबतुल्ला पर पहली नजर पड़े तो कोई एक दुआ ना मांगना, बल्कि यूं मांगना, ऐ बारी ताला मैं जितनी जायज दुआएं मांगूंगा उन तमाम को तो कबूल फरमा। ये जिंदगी भर के लिए कबूलियत की होगी। तो जितनी भी जायज दुआएं मांगूंगा तो पूरी दुआओं को कबूल फरमा। ये दुआ आप फरमा देते, आप चाहे तो इसको मांग सकते हैं या नहीं, तो आपकी जो स्पेशल या स्पेसिफिक जो भी दुआ है आप उसको भी मांग सकते हैं। तो ये वो मतलब घड़ी है जो दुआ की कबूलियत का वक्त है। अब जाहिर है कि अहराम की हालत में आप ना टोपी पहने ना ही रुमाल ऊपर अपने सर के ढाके, वरना आप जब टोपी पहनेंगे अहराम की हालत में नियत करने के बाद में तो आपको दम देना पड़ेगा। अब दम का मतलब ये है कि वहाँ पर एक कुर्बानी का जानवर आपको देना पड़ेगा, और ये उसको अरबी में दम कहते हैं। अब वो दम हम लोग देंगे तो हमारा दम निकल जाता, इसलिए कि बहुत महंगा होता है जानवर वहाँ का। तो लिहाजा ये हरगिज़ कोशिश ना करें, यानी अहराम की जितनी पाबंदियाँ हैं उसको गौर से देखें समझें। जैसे आप अहराम की हालत में इत्र लगा दिए, आप पर दम वाजिब हो गया। अब दम वाजिब हो गया तो आपका दम फिर निकलने के करीब होता, तो लिहाजा आप ये चादर को ऐसे बांध लें, इस तरफ छोटी रखें ये चादर को, इस तरफ बड़ी रखें और ऐसे डालें। ये एहराम, एहराम की हालत में आप मुस्तकिल हैं। अब जिन हजरात को जो उम्रे पे जा रहे हो, इतना तो कर लें कि तीसरा कलमा याद है। अगर मुसलमान हैं तो पांच कलमे पहले से ऑलरेडी याद होने चाहिए, मगर अगर गफलत की वजह से, कारोबार की वजह से, मसरूफियत की वजह से ना हो, तीसरा कलमा याद कर लें कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। ये हजर अस्वद के कोने से रुकन यमानी तक, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, तीन कोनों तक आप तीसरा कलमा पढ़ते रहेंगे। अब जब तीसरा कलमा यहाँ पर ख़त्म करें, रुकन यमानी से रुकन हजर अस्वद तक, यानी इस कोने तक, ये दीवार तक, इसमें रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार, ये दुआ का विर्द करते रहें। और ये जब यहाँ पर आएंगे तो आपका एक चक्कर मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी ही खुशी और मसरत के साथ ये तिला दी जाती है कि आज बतारीख 15 अगस्त को अल्हम्दुलिल्लाह हरमाइन शरीफैन टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक रोज़ा तरबियती कैंप रखा गया था, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह 38 हुज्जाज इकराम इंशाअल्लाह 18 अगस्त को यहाँ से हैदराबाद एयरपोर्ट से रवाना होंगे, और ये 15 दिन का पैकेज है। और इस तरबियती कैंप में अजमीन उमरा जो हैं उनको क्या क्या चीज़ें मक्के मुकरमा लेकर जानी है और वहाँ पर किस तरीके से उमरा कराना है, इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू उनके सामने हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे आज़मीन उमरा ने इत्मीनान का इजहार किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हरमाइन शरीफैन की टूर्स एंड ट्रैवल्स की जो सर्विस है कोई ढकी छुपी सर्विस नहीं है। अब आगे हमारे जो ग्रुप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 ग्रुप और 4 पैकेजेस बनाए हैं। अभी स्पेशल पैकेज रबीउल अव्वल स्पेशल पैकेज जो है 5 सितंबर को 15 डेज के लिए रवाना होगा, और इसमें मक्के मुकरमा में स्विस अल खलील होटल होगी जो कि 200 मीटर के फासले पर होगी, और मदीने मुनव्वरा में गेस्ट टाइम होगी जो कि 100 मीटर के फासले पर होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी से अच्छी सर्विस होगी, मौलिम होंगे, और वो हैदराबादी फूड होगा, 5 लीटर जमजम आपको दिया जाएगा, और लॉन्ड्री होगी, अनलिमिटेड लॉन्ड्री एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और दूसरा पैकेज 15 अक्टूबर को है, इसमें डायरेक्ट फ्लाइट होगी, सऊदी एयरलाइंस होगी, और इसका प्राइस 98,000 होगा, और इसमें होटल जो है ताज अल रफी होगी, और मदीने मुनव्वरा में गेस्ट टाइम होगी, और इसमें भी सारी सहूलतें और सर्विस अच्छी से अच्छी दी जाएगी। और दूसरा पैकेज 15 अक्टूबर को ही जो एयर इंडिया से होगा उसका प्राइस 88,000 होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी ताज अल रफी होटल होगी जो कि मक्का मुकरमा से 200 मीटर के फासले पर होगी, और मदीना मुनव्वरा में 100 मीटर के फासले पर गेस्ट टाइम होटल होगी, इसमें भी आपके साथ
मौलिम होंगे और अनलिमिटेड लॉन्ड्री होगी और हैदराबादी फूड बफे सिस्टम होगा और हर चीज की सहूलत इंशाल्लाह इसमें भी दी जाएगी। और एक इकोनॉमिक पैकेज हरमैन शरीफैन टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से रखा गया है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट फ्लाइट होगी और होटल इसमें 350 मीटर के फासले पर होगी मक्का मुकरमा में, और मदीना मुनव्वरा में 250 मीटर के फासले पर होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सर्विस जैसे कि हरमैन शरीफैन की तरफ से होती है वैसी दी जाएगी। अब इन तमाम पैकेजेस के लिए जो हजरात भी हमसे राबता करना चाहते हैं इस नंबर पर राबता कर सकते हैं 9886245748, इस नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई विजिट करना चाहते हैं हमारी ऑफिस पर तो शॉप नंबर 12 हुसैन आइकॉन सेंटर मिसबा नगर चौक MSK मेल जलानाबाद गुलबर्ग।